नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर महाराजगंज से है, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष रामनारायण पासवान ने महाराजगंज के सांसद व वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के विकास कार्यों की पोल खोली। देखिए हमारे संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की ये रिपोर्ट। क्या नाम है? रामनारायण पासवान, ग्राम और 21 दिसंबर 2020 को रिटायर होकर के मैं आया हूँ गांव। और मेरे बच्चों का तो कहना था कि बाबा आप जो है लखनऊ में रहिए, गांव कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं गांव में ये सोच कर के आया। अभी तक मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, बच्चों के लिए किया, और वहाँ गांव में आकर के थोड़ा लोगों से मिलना जुलना, गरीबों की सेवा करना, समाज सेवा करना, तो उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन महाराजगंज जो दुर्दशा है वो शायद हमको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगी जो दुर्दशा महाराजगंज। और महाराजगंज में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, हर चीज़ की कमी है। और जबकि महाराजगंज जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है, कि हमारे महाराजगंज जिले में चावल का उत्पादन यहाँ का सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का चावल उत्पादन का लगभग 8000 साल पुराना इतिहास है इस एरिया का। और ये भगवान बुद्ध का लुम्बिनी से लेकर के और यहाँ तक जो है हमारी बड़ी गंडक नारायणी नदी के किनारे तक, और ये मेरा जो एरिया है ये भगवान बुद्ध के महाराजगंज हमारा, अगर महाराजगंज का नाम, जबकि महाराजगंज जिला जो हमारा है वो महाराजगंज कोई मौजा नहीं था, और फिर भी अंग्रेजी शासन में 1862 में महाराजगंज तहसील की स्थापना हुई। और जबकि महाराजगंज तहसील की स्थापना होने के बाद जहाँ पे महाराजगंज तहसील बनाया गया, इस तहसील की जो ज़मीन थी, जो भू भाग था, वो चिवरहा मौजा की है। फिर भी अंग्रेजों के ज़माने में भगवान बुद्ध की ननिहाल थी यहाँ पे, जिसको रामग्राम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कभी खुदाई भी चल रही है। और भगवान बुद्ध के ननिहाल होने के नाते से भगवान बुद्ध के नाना जी जो थे वो महाराजा अंजन के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं के नाम पर अंग्रेजों के शासन में उनके नाम पर जो है महाराजगंज तहसील का जो है स्थापना हुआ 1862 में। उसके बाद जो है 1987-88 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह साहब के ज़माने में यहाँ का और नवगढ़ तहसील को बस्ती से काट करके नवगढ़ तहसील को, क्योंकि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो उनके नाम पर जो है नवगढ़ तहसील को सिद्धार्थ नगर के नाम से जनपद बनाया गया, और महाराजगंज जनपद को महाराजा अंजन के ही नाम पर जो है महाराजगंज जनपद का सृजन किया गया। अच्छा, इस बार किस पार्टी को वोट करना चाहिए? वोट अगर हम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और युवाओं की समस्या की बात करते हैं, तो आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग कांग्रेस वोट करिए, मैं खुद कांग्रेस को वोट करूँगा। और वर्तमान में मैं यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जिलाध्यक्ष भी हूँ, और मेरा पूरा प्रयास है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए। इसलिए कि आज जो कुछ भी हम लोग वो कांग्रेस की देन है। और बहुत सारे लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कुछ किया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज क्या बीजेपी ने बनवाया था? क्या गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बीजेपी ने बनवाया था? कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया, गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर लगा वो फर्टिलाइजर जो है कांग्रेस ने, वो क्या बीजेपी ने लगवाया था? तो हमारे देश में जो भी उद्योग आज हमारे ज़िले में, हमारे बचपना में हम लोग देखते थे कि हुगली शुगर फैक्ट्री चलती थी, और क्या कहते हैं कि फरेंदा शुगर फैक्ट्री चलती थी, सिसवा शुगर फैक्ट्री चलती थी, और सारी फैक्ट्रियां निर्बाध गति से चलती रहती थी। और एक शुगर फैक्ट्री की चलती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है।
शुगर फैक्ट्री चलती है, किसानों का गन्ना समय से जाता है, उनका पेमेंट होता है तो वो खुशहाल होते हैं। मिल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, उनका परिवार पलता है। और एक शुगर फैक्ट्री चलती है तो शुगर फैक्ट्री के आसपास चाय की दुकान चलती है, ठेले खुमचे वाले जो है कमा लेते हैं, रेहड़ी लगाने वाले कमा लेते हैं, लिट्टी चोखा बेचने वाले कमा लेते हैं, उनकी भी रोजी अगर 6 महीने शुगर फैक्ट्री चल जाती है तो इस तरह के लोग भी, उन लोगों को भी रोजगार मिल जाता है जो अपने जो है 6 महीना उस साथ में खा लेते हैं और 6 महीने के लिए वो बचा कर रख लेते हैं, तो उनका जो है बाजार हाट चल जाता है, उनका जो है रोजी रोजगार चल जाता है, उनका कपड़ा लत्ता चल जाता है, उनके बच्चों की शादी भी आसानी से हो जाती है। और महाराजगंज इतना तो मैं पूरा उत्तर प्रदेश घूमा हूँ, अदर स्टेट में भी मैं काफ़ी घूमा हूँ, सबसे ज़्यादा अगर स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या अगर है तो महाराजगंज जिले में। सिंदूरिया के बगल में हरिहरपुर मऊजा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 20 साल से चल रहा है, 10 साल जो है अगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं कुछ किया, तो अगर 10 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार है आज तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है एक भी MBBS डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, जब से ये अस्पताल चल रहा है केवल यहाँ एक फार्मासिस्ट के भरोसे अस्पताल चलता है। और यहाँ के गरीब असहाय लोग मारे मारे फिरते हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, लूट है यहाँ पे, लोग लूटते हैं, मेडिकल स्टोर वाले लूटते हैं, झोला छाप डॉक्टर लूटते हैं, अस्पताल में जाइए तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ की जो विकट समस्या है जिस एरिया का, जिस भगवान अच्छा यहाँ के सांसद पंकज चौधरी भी क्या विकास, हमारे समस्या हमारे सांसद जी जितना हमारे महाराजगंज जिले के जनता ने, मैं तो था नहीं यहाँ लेकिन लोगों को बताने के हिसाब से 6 पंचवर्षीय मतलब 30 साल हमारे सांसद जी माननीय पंकज चौधरी जी जो वित्त राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में, और 6 बार जिस जिले की जनता ने उनको चुना और मौका दिया, उस हिसाब से अगर विकास की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 30 साल में सांसद रह करके हमारे सांसद जी इस जिले का 3% भी विकास नहीं किया, जो सच्चाई है वो ये है। और कुछ लोगों का विकास हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम जनता का हमारे जिले में कोई विकास नहीं हुआ। और अगर विकास हुआ होता, काम हुआ होता, तो हमारे जिले में 3-3 शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, 3-3 शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, किसानों का गन्ना खेतों में सड़ रहा है, आग लग रही है, गन्ना जल जा रहा है, उनका पेमेंट समय से नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपया गरौड़ा JHB शुगर फैक्ट्री किसानों का मार करके बैठी हुई है। आज तक किसी ने नहीं पहल किया कि गरौड़ा शुगर फैक्ट्री से जो किसानों का बकाया है उसका पेमेंट कराया जाए, आखिर आज तक क्यों नहीं हुआ? मतलब किसान क्या गुनाह किया है? किसान होने का मतलब यही है कि किसान गुनाह है, गुनाहगार है, वो खेती कर रहा है इसलिए गुनाहगार है, वो गन्ना बो रहा है इसलिए गुनाहगार है, गेहूँ बो रहा है इसलिए गुनाहगार है, केला बो रहा है इसलिए गुनाहगार है कि उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा? और अगर यहाँ के लिए विकास हुआ होता तो सबसे पहले 3-3 शुगर फैक्ट्रियाँ बंद है, इसके लिए क्या पहल हुआ? हमारे सांसद जी जो है इसके लिए क्या पहल किए? उन्होंने जैसे फरेंदा की शुगर फैक्ट्री, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की शुगर फैक्ट्री फरेंदा शुगर फैक्ट्री है, जबकि 10 साल से केंद्र में भी जो है BJP की सरकार है, राज्य में भी BJP की सरकार है, और आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ कि इन शुगर फैक्ट्रियों को चलाया जाए जिससे किसानों का गन्ना समय से जा समय से भुगतान हो, लोगों को रोजगार मिले, इस विषय पर कोई काम नहीं हुआ। एक भी मतलब क्या हम मान लें कि कौन सा विकास हो गया? क्या आपने 2 रोड बनवा देंगे उससे विकास हो जाएगा? रोड चौड़ा कर देने से ही रोजगार मिल जाएगा, विकास हो जाएगा? 8,000 साल पुराना जिस जगह का इतिहास हो कि 8,000 साल से यहाँ पर जो है चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, इस जिले में हमारे यहाँ बच्चों में इतनी प्रतिभा है, हमारे बच्चों के लिए अगर यहाँ स्कूल कॉलेज मुहैया हो तो हमारे बच्चे अच्छी अच्छी जो है शिक्षा ग्रहण कर करके और देश प्रदेश में है और यहाँ तक कि विदेशों में भी नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ मेरा एग्रीकल्चर इतना वो है, मेरे लोग इतने अच्छे से यहाँ एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन हमारे ज़िले में महाराजगंज ज़िले में अब से कम 10 साल 20 साल पहले कुछ नहीं, अगर एक एग्रीकल्चर कॉलेज ही अगर खोल दिया गया होता तो हमारे ज़िले के बच्चों का जो है पढ़ने की शिक्षा मिली होती, हमारे बच्चे BSc AG करते, MSc AG करते, PhD करते। एक पसुली में जो है एग्रीकल्चर फार्म है, वो फैजाबाद कुमारगंज एग्रीकल्चर
एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से जो है गवर्न होता है, जबकि उसी बगल में क्या कहते हैं कि वसूली में सिंचाई विभाग का पावर हाउस कभी हुआ करता तो कम से कम 15 एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। वो सिंचाई विभाग का जमीन को जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा करके वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज बना देते और वहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की पढ़ाई होती, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती, यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते, वेटनरी होता उसमें, और बगल में जो है वहाँ पे वसूली फार्म है उसमें लोग रिसर्च करते वहाँ पर जो है। लेकिन इस विषय में कुछ नहीं सोचा गया, सोचा गया केवल इस जिले को शराब में ढकेलने का। इस साल 1 अप्रैल 2024 से हमारे महाराजगंज जिले में 47 नई शराब भट्टियाँ सृजित की गई हैं और इस जिले के 12 साल 14 साल 10 साल से लेकर के और 82 साल के लोग जो है दारू पी रहे हैं, केवल दारू में उनको ढकेला जा रहा है। दारू बेचने के हाँ एक विकास हुआ है कि हर गांव में हर चौराहे पर एक पुलिस चौकी खोली जा रही है, हर मौजा में एक थाना खोला जा रहा है, हर गांव में एक शराब भट्टी खोली जा रही है, यही विकास है, ये विकास है। बच्चों को शराब में ढकेला जा रहा है, नशे में ढकेला जा रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। मेरे जिले से कितने बच्चे बाहर कमाने जाते हैं बेचारे, वहाँ से उनकी लाशें आती हैं, किसी की लाश कर्नाटक से आती है, किसी की लाश सऊदीया से आती है, किसी की लाश कुवैत से आती है, किसी की लाश जो है कर्नाटक से आती है, तमिलनाडु से आती है। 10,000-12,000 पर मेरे यहाँ के बच्चे वहाँ कमाने जाते हैं और वहाँ से उनके माँ बाप को जो है उनकी लाश ला करके दी जाती है पैसे की जगह पर, ये विकास है। और अगर अगर विकास हुआ होता तो हमारे हमारे वहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे वहाँ बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बस हमारे वहाँ के बच्चों को दिशा देने की जरूरत है। 47 शराब भट्टियाँ खोली गई उसके जगह पर 10 कॉलेज क्यों नहीं खोले गए, एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं खोला गया, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली गई, क्या महाराजगंज में यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, अभी तो यूनिवर्सिटी की जरूरत है। हम कह रहे हैं और आप और यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोले होते, वसूली में एग्रीकल्चर फार्म है, आपको केवल कॉलेज बनाना था, कॉलेज के लिए आपको जमीन भी नहीं ढूंढनी थी, सिंचाई विभाग की 200 एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, बिल्डिंगें तोड़ करके लोग उठा ले गए, सामान उठा ले गए, उसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, आप वहाँ कॉलेज बना देते, पिछड़ा एरिया था वहाँ पे जो है पिछड़े एरिए का विकास हुआ होता, गांव के लोगों को चाय पानी बेच करके रोजगार मिलता, दुकान करते लोग उससे रोजगार मिलता, बच्चे पढ़ते पढ़ करके अपना जो है कमाने वाले होते, ये विकास होता है। शराब भट्टी खोल देने से, थाना खोल देने से, चौकी खोल देने से जो है विकास होगा, ये तो वही हो गया कि शराब परोसो और शराब पी करके मर झगड़ा करें तो जो घर में धन है वो शराब में जाएगा, उसे जो बचा रहेगा वो मारपीट करेंगे, थाने में जाएंगे तो थाने में देंगे, तो वो तो गरीब गरीब, यही विकास हुआ, यही विकास हुआ है महाराजगंज जिले का। मतलब शर्म की बात है कि हरियरपुर में 20 साल से हॉस्पिटल चला, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो 10 साल से इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं वहाँ पे एक महिला MBBS की पोस्टिंग की गई और एक जेंट्स MBBS की पोस्टिंग की गई। यही सिंदूरिया में ट्रेनिंग सेंटर, स्वास्थ्य विभाग का ट्रेनिंग सेंटर बना है, करोड़ों रुपये लगा करके करोड़ों रुपये की बिल्डिंग बनी है और वीरान पड़ा हुआ है, टूट रही है बिल्डिंग, लोग ईंटें उजाड़ ले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर क्यों बंद कर दिया गया। इसी सिंदूरिया मऊजा में 2 करोड़ रुपया लगा करके ओवर हेड टैंक बना गया, हर घर नल जल देने की ये सरकार जो वादा कर रही है, आके सरकार से मैं पूछता हूँ, मैं सांसद जी से पूछता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ, आकर के चेक करें कि किस घर में नल का जल जा रहा है। 2 करोड़ रुपया वो जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है उससे गवर्नमेंट काम करती है और जनता का पैसा ही है, जनता को नहीं मिल पा रही है, लूट मची हुई है, ये लूट रहे हैं, 2 करोड़ की टंकी लगाकर एक भी घर में एक भी बूंद पानी नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।